देश की शान, देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। संसदीय कार्य एवं ग्राम विकास मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के द्वारा 15 अगस्त पर क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। दुबैड़ ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सैंपल लिया गया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बांसडी रोड स्थानीय क्षेत्र के विकासखंड दुबैड़ के परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सैंपल लिया गया। प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी पीयूष चंद्र ने कहा कि दुबैड़ ब्लॉक क्षेत्र के गाँवों में कोरोना काल में लोगों का सर्वे का कार्य किया जा रहा है। हो सकता है कोई आंगनवाड़ी कोरोना संक्रमित हो सकता है, जिसका सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया जा रहा है। कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी अपनी जान जोखिम में डालकर सर्वे कर रहे हैं, साथ ही बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने में घर घर जाकर दौड़ा कर रहे हैं। ऐसे में उनका कई लोगों से संपर्क होता है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। मैं प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी बलिया जी। आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है? यहाँ पे सीडीओ साहब के निर्देश में यह है कि हमारी आंगनवाड़ियाँ जो है डोर टू डोर सर्वे करने लगी हुई है। तो चूंकि डोर टू डोर सर्वे कोरोना का ही है, कोविड-19 के लिए हो रहा है कि कौन किसको खांसी है, बुखार है, इसका वो सर्वे कर रहे हैं कि, और उसके साथ साथ दो अध्यापक भी लगे हुए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं कि किसको खांसी बुखार है। इस तरह से करके सैंपलिंग की जाती है, जिसको अगर लगता है तो वो हम लोग देखते हैं कि कहीं कोरोना का पॉजिटिव तो नहीं है। तो सीडीओ साहब का निर्देश था कि हमारे जो लोग लगे हुए हैं, हो सकता है कोई संक्रमित हो गया हो, किसी के संक्रमण में आ गया हो, तो उसके देख के सारे लोगों को यहाँ बुला करके उनकी कोरोना की जांच की जा रही है। कोरोना अभी तक कितने लोग जांच की गई है? अभी शुरुआत हुआ है। अभी मैं जब गया था देखने तो लगभग 30-35 लोगों की जांच हो चुकी है। कितने दिनों से ये जांच चल रही है? ये लगभग चार दिन हो गया, जिसमें दो बार। कितने लोगों का रिपोर्ट आ चुका है अभी तक? डेली कम से कम 300-400 लोगों की जांच हो रही है जी। रिपोर्ट सबका आ जा रहा है पर डे? हाँ, पर डे आ जाती है। और कुछ जो कि RT-PCR है, इसकी नहीं आएगी? RT-PCR है, इसकी थोड़ा सा एक दो दिन बाद आएगी जी। जी, पूरे देश में जब से कोरोना महामारी चलाया तब से लेकर सभी सतर्कता और सफाई पे विशेष ध्यान सभी लोग दे रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जांच कोविड-19 का हो रहा है और यहीं पे इतना सारा गंदगी देखते हुए देखने को मिल रहा है। कई लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं। देखिए, कई लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं। कुछ लोगों ने मास्क, इसमें है सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आपने पालन कर रखा है तो मास्क उस समय लगाना बहुत नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई नहीं आसपास में आपके, तो मास्क उस समय निकाला भी जा सकता है। लेकिन यह है कि रही सफाई की और ये करने की, एक एक आया था टीम यहाँ पे और ब्लॉक में अभी रखा गया है, यह यहाँ पे काम हो रहा है। जब से अब चल रहा है तो इतनी सारी गंदगी देखने को मिला है सर, क्या अभी तक यहाँ एक भी सफाई कर्मी या साफ सुथरा यहाँ पर कहीं व्यवस्था नहीं दिखाई दे रहा है? यह जिम्मेदारी किसकी बनती है और अभी तक क्यों नहीं हो पाई? ये विकास खंड की बात है, यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको देखने से है। ये आंगनबाड़ियों के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उनके लिए व्यवस्था है क्या, बीमा के लिए क्या है? बीमा है, इनकी ड्यूटी लगाई गई है, चूँकि नाम से ड्यूटी लगी है। शासन ने इनको कहा है कि 50 लाख रुपया हमको इनको दिया जाएगा। जो इनकी ड्यूटी लगी है, अगर इनके साथ कोई घटना घटती है उसी ड्यूटी के साथ इनके कार्रवाई करते हुए काम किया जाएगा जी। कई जगह ये देखने में आया, प्रकाश में आया, कई जगह जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज होता है, तो उनके लिए अभी तक क्या आपकी तरफ? अभी तक तो हमारे यहाँ कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि दुर्व्यवहार है या गाली गलौज की जाती है जी। अगर गाली गलौज या दुर्व्यवहार की होता है तो उसके लिए हम शासन से बात करके उसको जो है सक्सेसफुल कार्रवाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी किसी आंगनवाड़ी को या किसी को कहीं। CDPO दुबहड़ अमरनाथ चौरसिया जी। यहाँ क्या हो रहा है आज? यहाँ पे बेसिक शिक्षा और बाल विकास के सभी स्टाफ की कोरोना जांच हो रही है CDO साहब के निर्देशन पे। हाँ, उनके पत्र के क्रम में अलग अलग दिन, जैसे आज जो है दुबहड़ का है, कल बांसडी का है, इसी तरह हमारे बलिया में 18 ब्लॉक हैं शहर को लेके, तो एक एक दिन सबका टर्म लगा हुआ है। आज दुबहड़ का है तो जी, तो यहीं पर होगा सबका बेसिक से अध्यापक और आंगनबाड़ी और, हाँ। और हमारा स्टाफ। ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये चल रहा है तीन दिन, आज चौथा दिन है, चौथा ब्लॉक है। कब तक ये चलेगा? अभी एक दिन में एक ब्लॉक का आप लोग एक दिन में एक ब्लॉक जी। और जांच करने का उद्देश्य क्या है? ये जो भी जांच चल रही है क्या उद्देश्य है? उद्देश्य इसका यह है कि हमारी जो आंगनबाड़ियां हैं या अध्यापक हैं, ये लोग सर्वे काम में लगे हुए थे,
तो सर्वे में घर घर डोर टू डोर सर्वे होना था। तो भाई कोई इतने लोगों के संपर्क में आते हैं तो कोई स्टाफ हमारा पॉजिटिव ना हो, पॉजिटिव अगर हो तो पता चल जाए, उसको आइसोलेट किया जा सके। ये रैपिड है या किट वाला जाता है? ये किट वाला है जी, रैपिड नहीं जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे कैसे समाज में बचाव के लिए क्या क्या उपाय किया जाए? जो हम आप की क्या करता चाहें, जान जोखिम में डाल कर ये काम करें, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम उसी लिए तो उनकी जांच करवा रहे हैं ताकि जो हमारी कार्यकर्ता सर्वे में अन्य कामों में लगी हैं, हाँ, उनकी जांच हो जाएगी तो वो सेपरेट हो जाएंगी, ताकि उनके परिवार को, उनके अगल बगल को, जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगी हुई है, जो भी आंगनबाड़ी इस कार्य में लगी हुई हैं और कोरोना पॉजिटिव हो जा रही हैं, संजोगवश कोई दुर्घटना उनके साथ हो जा रही है, उन लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या पहल की जाएगी, क्या सुविधाएं दी जाएंगी? अब ये देखिए, ये कुछ कुछ बीमे का प्रावधान है जो हमें अभी पूरी तरह से 50 लाख हमने देखा नहीं है, इतना नहीं सुनाई है। यहाँ पे भी प्रावधान होगा, वो 50 लाख जो है। यहाँ पे सफाई कर्मी कितने हैं? सफाई कर्मी हमारे विभाग के अंदर में नहीं आते। अच्छा, सफाई कर्मी आप BDO साहब के यहाँ क्या कितने स्टाफ हैं? आप यहाँ पे चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और यहाँ पे COVID-19 का टेस्ट कराया जा रहा है, लोग कोरोना महामारी अलग चल रहा है लेकिन इतनी गंदगी हो, क्या इससे बीमारी नहीं फैल सकती है? फैलेगी तो हम लोगों ने वीडियो को इतला किया है, वीडियो को फिर एक बार इतला करेंगे हैं कि साफ सफाई हो, अगर कहीं है तो साफ सफाई की व्यवस्था होगी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले।